कॉम्बिनेशन ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ। नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रीवा में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दो बारातियों को तेज रफ्तार से दौड़ रही एक अनियंत्रित जीप ने रौंद दिया। मौके पर ही दोनों बारातियों ने दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ दूरी पर खड़ी एक कार में आग लगा दी। इससे वहां पर मौजूद लोगों के बीच तीखा वाद विवाद हुआ। दो समुदायों का मामला होने की वजह से तनाव बढ़ गया। एसपी ने आधा दर्जन थानों की फोर्स मौके पर भेजी, तब जाकर मामला शांत हुआ। ये घटना रीवा के दुवगवां कुरमियान गांव में शुक्रवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक दुवगवां कुरमियान निवासी निसार अहमद के पुत्र फिरोज अंसारी की शादी थी। रात 10 बजे के करीब बारा देवरा गांव जा रही थी। दूल्हा समेत अन्य बाराती निकल चुके थे। बाकी बाराती दूसरे वाहनों में जाने के लिए तैयारी में लगे हुए थे। इसी दौरान सड़क पर खड़े दो लोगों को अनियंत्रित जीप रौंदते हुए पलट गई। घटना स्थल पर ही जैतुन निशा और मोहम्मद तारीफ की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दूल्हा सहित बाकी लोग बारात छोड़कर वापस लौट आए। मऊगंज SDOP शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि अब स्थिति कंट्रोल में है। 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम मऊगंज अस्पताल में कराया गया है। मामला यह है कि एक बारात से बारात के लोग इकट्ठा थे, उसी दौरान एक SUV वाहन बहुत तेज़ी से मऊगंज से चलता हुआ आया और उसने टक्कर मारी, जिसमें उस टक्कर से दो लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। हालांकि एक व्यक्ति थोड़ा जीवित लगा था, तो उसको हम लोगों ने वहाँ SGMH भिजवाया था। उसके कुछ दूर आगे जाके वो गाड़ी पलट भी गई। उसमें से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग उसमें एकाध लोग उसमें रह गए थे। तो जो भीड़ थी, जो बारात की भीड़ थी, उन्होंने उनको घेर लिया था मारने के लिए। तो उस दौरान पुलिस को खबर लगी तो और उनके परिजनों को भी खबर लगी, जो मऊगंज के ही रहने वाले थे, तो लोग भी पहुंचे और पुलिस भी पहुंची। और रात का समय था, पुलिस बल बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँचा और SDOP साहब, एडिशनल SP, TI सब पहुँचे। पहुँचने के बाद जो भी व्यक्ति फंसे हुए थे, जिसमें उनके वाहन में मौजूद व्यक्ति के परिजन भी थे, उन सबको वहाँ सकुशल तरीके से निकाला गया। उसके बाद उसी दौरान कुछ लोगों ने, जिससे उनके परिजन पहुँचे थे गांव वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को लेने के लिए, उस वाहन को जला दिया था, आग लगा दी थी। तत्काल इन लोगों को रिकवर करने के बाद एक व्यक्ति को तत्काल यहाँ रवाना किया गया, SGMH रीवा रवाना किया गया। एक डेड बॉडी वो लोग सुबह कह रहे थे कि हम सुबह भेजेंगे, लेकिन पुलिस ने जो है उसको भी समझा बुझाकर उसको मऊगंज अस्पताल में भिजवाया, जो 75 साल की जैपुन निशा की का शव था। और इस तरह घटना में दो लोग मरे। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सभी बारात में बैठे हुए लोग थे और जितने लोग विवाद कर रहे थे या मौके पर उत्पात कर रहे थे, वो सभी युवा लोग थे और इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे कि मतलब कोई और गंभीर घटना घटित करते हैं। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ वाहन में फंसे हुए व्यक्ति की जान बचाई, अभी तो उस व्यक्ति के जो परिजन वहां पहुंचकर उनके बीच घिर गए थे, सबकी जान बचाई। और एक एक्सीडेंट की घटना से जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल निर्मित हो रही थी, उन परिस्थितियों को प्रतिकूल निर्मित होने से रोका। और सही अर्थों में कहा जाए तो एक दुर्घटना जो सांप्रदायिक रंग भी ले सकती थी, उसको उन्होंने रोकने में पूर्ण सफलता पाई। और यह जो है हमारी मऊगंज एडिशनल SP SDOP मऊगंज और थाना प्रभारी मऊगंज की कार्यकुशलता का प्रमाण था कि उन्होंने इतनी तत्परता से काम की। रात में जैसे ही सूचना मुझे मिली, मैंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल 12 थानों का बल भेजा। पुलिस। सागर टीवी न्यूज के लिए रीवा से अर्पित पांडे की रिपोर्ट। तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ। एड्रेस नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7974285780।